Assalamualaikum, hello and good evening viewers, face to face 2360 TV के साथ मैं हूँ आपका अपना host महबूब शेख। नाज़रीन, दुनिया के अंदर लोग बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा के लिए यादगार बन जाती हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा ही नाम फिल्म मौला जट। मौला जट ने आते के साथ ही दुनिया को ये साबित किया कि मौला जट जैसे तर्ज की फिल्में जो है वो दोबारा जब बनती हैं तो अपनी तारीख रकम कर सकती हैं। और द लेजेंड ऑफ मौला जट एक ऐसी फिल्म जिसका लोगों को शिद्दत से इंतज़ार है। कई सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इस फिल्म को देखें एक बार फिर इन एक्शन, और वो भी हमारे चमकते दमकते सितारों के साथ, जिसमें मायरा खान हो, जिसमें फवाद खान हो, जिसमें हमजा अली अब्बासी जैसी शख्सियत मौजूद हो, और फिल्म के डायरेक्टर बिहाइंड ऑफ ऑल दिस वेंचर जनाब लाशारी साहब। जी हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता, बिलाल लाशारी। ही इज़ द नेम ऑफ मीडिया, ही इज़ द नेम ऑफ द डायरेक्शन, ही इज़ द नेम ऑफ द लेजेंडरी इन एक्शन। तो हमारे साथ मौजूद है ऑन जूम बिलाल लाशारी साहब। वी वेलकम अवर ऑनरेबल गेस्ट बिलाल लाशारी। बिलाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपसे बात कर रहे हैं। थैंक यू जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। बिलाल साहब, मेगा बजट फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट, जब इस फिल्म को बनाने का आपके जहन में आइडिया आया तो स्टार कास्ट के हवाले से बताइएगा कि कैसे आपने सोचा एक पंजाबी फिल्म और उसके अंदर एक ऐसे स्टार कास्ट जिनको पंजाबी, मायरा और फवाद के बारे में मैं ये जानता हूँ कि उन्हें पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी, कैसे आपने इन्वॉल्व किया? जी, असल में ये बहुत ही एक एम्बिशियस आइडिया था, और जिस स्केल पे हम इस फिल्म को बनाना चाह रहे थे, जितने हमारे मसले मसाइल थे उसमें से पंजाबी एक्टरों को ना आना एक छोटा मसला था हमारे जितने बड़े बड़े इश्यूज से, लेकिन ये एक चैलेंज था सारों के लिए, और यही एक एक्साइटिंग चीज़ थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। खास एक तरह से बात यह है कि पंजाबी फिल्म इस तरह की बनी, वो बहुत ज़रूरी था कि मौला जट, अगर उसको आप फिर से बनाएंगे वो पंजाबी में ही हो सकती है। तो जहां तक एक्टर्स की बात है, तो मजेदार बात यह है कि फवाद और हमजा अब्बासी से मैंने जब पहली बार ये आइडिया डिस्कस किया और ये रोल्स की बात की कि फवाद को मौला होना चाहिए और हमजा को नूरी होना चाहिए, तो उस वक्त वो सुपरस्टार नहीं थे। हमजा अब्बासी ने एक्टिंग अपनी शुरू की थी लेकिन स्क्रीन पे अभी कुछ आया नहीं था। मेरी पहली फिल्म में वो थे, वो भी नहीं अभी आई थी। उनका जो ड्रामा एक बहुत हिट हुआ वो भी अभी नहीं एयर हुआ था। और फवाद जो थे वो उस तरह के अभी सुपरस्टार नहीं बने थे जो उन्होंने अगले 3-4 साल में बनना था। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो इस वजह से नहीं कास्ट हुए इस फिल्म में कि वो मेगा स्टार्स हैं, वो मेरे दोस्त थे जो मुझे लगा कि बड़े बहुत टैलेंटेड हैं और परफेक्ट हैं इस इन रोल्स के लिए। वो हुआ ऐसे कि हमारे डिलेज हुए और फिल्म में टाइम लगा, और जब तक फिल्म तैयार हुई तो वो मेगा स्टार्स बन चुके थे, तो बहुत फायदा हो गया हमें भी, फिल्म को भी। तो ये एक कहानी है कि कहाँ से हम शुरू हुए थे। अच्छा, अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का जो रोल था मौला का, और फिल्म मौला जट और द मौला जट, व्हाट द डिफरेंस? उस फिल्म में और इस फिल्म में बहुत ज्यादा फर्क है, सब कुछ ही फर्क है। और शायद उसको समझने के लिए ज्यादा आसान है कि दोनों में सिमिलर क्या है, वो मैं बता देता हूँ। उस वो सिर्फ है जो नासिर अदीब साहब हैं जिन्होंने इस फिल्म के भी डायलॉग्स लिखे, स्टोरी में भी उन्होंने साथ काम किया, जो राइटर हैं ओरिजिनल मौला जट के, उन्होंने उनका जो एक स्टाइल है डायलॉग्स का, पंजाबी डायलॉग का, उनका अपना ही एक यूनिक स्टाइल है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, किसी और फिल्म में नहीं नजर आएगा। वो स्टाइल इसमें भी मिलेगा लोगों को, जो पंजाबी ऑडियंसेस हैं उनके लिए पूरी फिल्म एक तरफ होगी, और नासिर साहब के जो डायलॉग्स हैं वो इतने खूबसूरत हैं, एक एक जुमले पे उनको वो मेहनत नजर आएगी, वो पोइट्री की तरह वो लिखते हैं, चाहे वो बहुत सख्त बात हो रही हो, धमकी क्यों ना हो रही हो, एक दूसरे को कत्ल करने की बात भी हो रही होगी, तो इतने खूबसूरत तरीके से उसको वो पोइटिक तरीके से लिखते हैं कि मुझे लगता है फिल्म की आधी ब्यूटी उनके डायलॉग्स हैं। सो वो चीज मैंने सिमिलर रखी, पुराने जो मौला जट थी और इसमें वो चीज सेम है। बाकी जो वो जो एक्टर्स हैं उनका एक स्टाइल होता था, बहुत लाउड होता था और बहुत जिस तरह थिएट्रिकल जिसे कहते हैं उस तरह होता था। इसमें थोड़ा सा वो स्टाइल भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक्टर्स उसमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना 3-डायमेंशनल, और अब आज के दौर की जो जो एक एक्टिंग है और उसका स्टाइल है उसको भी जेन में रखा है। तो जो नए लोग हैं उनके ये भी बहुत ये मजेदार एक होगा एक्सपीरियंस, और जो पुरानी मौला जट के फैंस हैं उनको भी जरूर पुरानी यादा जो है ना उनकी वो ताजा होंगी।
अच्छा, हॉलीवुड का साउंड यकीनन जो है वो, जब हम एडवेंचर्स की बात करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा ये टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। और एक्शन के हवाले से आपका माजी का तजुर्बा रहा है, वॉर जैसी फिल्म आपने बनाई है, तो क्या हमें उसी तरह का हॉलीवुड का एक्शन जो एडवेंचर और दिगर फिल्मों में देखने को मिलता है, इस फिल्म में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा इसका, लेकिन एक्शन का स्टाइल फर्क है उसमें, जरा ज्यादा गन्स और इस तरह का जो मॉडर्न किस्म का एक्शन था। ये फिल्म एक फैंटेसी पंजाब मैंने क्रिएट किया है इसके अंदर। ये एक फर्क, एक दुनिया है जिसको पंजाब से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये किसी दौर में नहीं सेट, ये एक टाइमलेस दौर के अंदर है। और इसकी खूबी ही ये है इस फिल्म की कि लोगों ने ऐसा पंजाब नहीं देखा होगा, क्योंकि जिस तरह पंजाब हम देखते आए हैं फिल्मों में, मैं चाह रहा था कि वो हम बहुत बार देख चुके हैं, वो रिपीट ना हो, अब एक फ्रेश वो एक चीज हो। तो उस वजह से ये बिल्कुल ही एक एक फर्क, उनको एक्शन का स्टाइल भी इसमें बिल्कुल फर्क नजर आएगा, जो कि ज्यादा फाइट्स बेस्ड है, दो लोगों की फाइट है या एक ही ज्यादा लोगों से फाइट है। तो उसके अंदर गंडासा एक जो इसके अंदर वेपन एक है, जो सिंबल है इस पूरे पंजाबी गंडासा जो फिल्में हैं उनका, मौला जट का, वो देखने को मिलेगा। और जो कुल्हाड़ियां हैं नूरीनाथ की मशहूर दो कुल्हाड़ियां वो हैं, और बहुत बहुत जबरदस्त फाइट्स इसके अंदर हुई हैं, जिसके लिए बाहर से एक्शन टीम पाकिस्तान आई थी और उन्होंने कई महीने इधर लोगों को ट्रेन किया, स्टंटमैन बाहर से आए। सो एक्शन का तो अपना ही इसके अंदर एक मजा है। और फिल्म जो है थोड़ी सी, जरा थोड़ा सा खून खराबा इसमें है, थोड़ी सख्त है फिल्म, इंटेंस है, इंटेंस है मूवी। ऐसा नहीं है कि ये कोई लाइट पिक्चर है, कि आप जिस तरह हमें अक्सर आदत है कि पाकिस्तानी फिल्में ज्यादातर हमने जो देखी है रोमांटिक कॉमेडी देखी है और उस तरह की देखी है, ये एक्शन भी है और थोड़ी सी डार्क मूवी भी है। तो एक बड़े स्केल पे इस तरह की मूवी का, वो भी पंजाबी में, बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस का। अच्छा बिलास साहब, ये बताएगा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो 70 और 80 का दहाई तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामों ने जो उरूज हासिल किया वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को पसीराई वो ना मिल सकी, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। शायद स्टोरी की कमी थी या एक्टर्स की, या वो लोग जो लोग देखना चाहते हैं वो दिखाया नहीं जा रहा था। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो ये मेगा बजट फिल्म है इस वक्त पाकिस्तान की, मौला जट जो है, तो इसके अंदर इस फिल्म से जो पाकिस्तानी है वो और जो बैरून मालिक में मुकीम साउथ एशियन कम्युनिटी है वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की जानिब रागिब होगी? बिल्कुल होना चाहिए, तो उम्मीद ही कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारा मकसद था कि इस फिल्म को लोग देखें और इसे एंटरटेन हो, और उनको जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे हम उतरे, बल्कि सिर्फ उतरे नहीं, उससे ज्यादा उनको मिले इस फिल्म के अंदर। अब उसके बाद इसका क्या इफेक्ट होता है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे यूं लगता है कि पंजाबी जो सिनेमा है, पंजाबी फिल्में बहुत बनना शुरू हो जाएंगी फिर से। जो आपका पंजाब का एक एक सिनेमा जो बंद था वो जरूर फिर से शुरू होगा, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज होगा कि पंजाबी ऑडियंसेस कितनी ज्यादा है। और मुझे जिस तरह पता चल, जो नंबर्स और जो पता चलता है डिस्ट्रीब्यूटर से, कि कनाडा जिस तरह फॉर एग्जांपल इंटरनेशनली भी एक बहुत मेजर मार्केट है पंजाबी फिल्मों ऑफ के लिए। कोर्स या सो इसका पंजाबी सिनेमा सिर्फ ये नहीं कि पंजाब में ही, बट इंटरनेशनली भी इसकी बहुत बड़ी एक ऑडियंस है। सो मुझे लगता है कि इस फिल्म का और कोई इफेक्ट हो ना हो, पंजाबी सिनेमा को बहुत फायदा होगा। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट की अभी आपने बात की, कनाडा की खासतौर पर अगर हम बात कर लें, नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें, तो माजी के अंदर भी अभी रिसेंटली पाकिस्तान की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, कायदे आजम जिंदाबाद और पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन लैक ऑफ प्रमोशन की वजह से या अवेयरनेस नहीं थी लोगों को कि वो सिनेमाघरों में जो है वो ज़्यादा देर रहती। आपने इसकी प्रमोशन के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से कोई स्ट्रेटजी बनाई हुई है? जी देखिए, फिल्म को प्रमोट करने के कई तरीके होते हैं। उसके अंदर आप बहुत मुख्तलिफ कोई नई चीजें भी कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं जो लोग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो उसका ट्रेलर होता है। अगर ट्रेलर पे आप लोगों को एक्साइट नहीं कर सकते, तो आप जो मर्जी प्रमोशन कर लें वो एक्साइट नहीं होंगे। तो पर्सनली मैंने तो अपनी सारी जो मेहनत थी ना, इसके जो दो ट्रेलर बने दिया उन्हीं पे टाइम अपना और एनर्जी लगाई कि ये पक्के होने चाहिए, इनका वो इम्पैक्ट होना चाहिए, फिर बाकी सारी चीजें बाद में। तो इन दो ट्रेलर से हमें वो रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि हमें लगा कि ये फिल्म की अच्छी वाइब बन जाएगी। तो अब जो स्टैंडर्ड जो मार्केटिंग होती है वो हम करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहते।
उसकी वजह यह है कि फिल्म एक ऐसी फिल्म है कि इसके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बिल्कुल नई चीज़ है, और वो बोल के समझाना, हम अपने एक्सपीरियंसेस का बता सकते हैं लोगों को, लेकिन उस फिल्म के बारे में मुझे लगता है कि ज्यादा मजा आएगा जब वो देख चुके होंगे उसके बाद बात करने का। बात करेंगे तो बात करेंगे। अभी इसलिए हमने ना बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करे, क्योंकि एक फिल्म की एक मिस्ट्री भी है ऑडियंसेस के लिए कि यार ये कैसी फिल्म होगी पंजाबी में, ऐसी ये क्या होगा, वो मिस्ट्री भी हम चाहते हैं कि थोड़ी कायम रहे। वो बहुत ज्यादा अभी हम शुरू में प्रमोशन में उसके बारे में बहुत बहुत बोल के उसको कम ना करें, वो अपनी जगह रहे। फिर एक बार फिल्म जब लग जाएगी उसके बाद फिर हम शायद फिल्म से पहले से ज्यादा फिल्म के बाद उसके बारे में बात कर रहे होंगे। बिलाल आशारी साहब ने फिल्म के ट्रेलर के हवाले से बात का कही, मिस्ट्री के हवाले से बात किया। आए देखते हैं दी लेजेंड ऑफ मौला जट का एक ट्रेलर, और फिर जो है बिलाल आशारी के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। से पता कि इस कहानी का अंजाम ए होगा, से पता कि मैं पुत्र नहीं पूरे पिंड की मौत लेके आई हूं। ਇਹ ਪੱਕ ਨੱਤਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅੱਥਰੇ ਨੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਲੇ ਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਜਾਗੀਰ ਚ ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, सरदार जट का पुत्र मौला जट है। सरदार जट का इंसाफ कमरे चो बाहर आ गया। पहली बारी रक्त के सामने एक शेर आया है। तू चंगी तरह जान ले तू कि पंगा लेता है, तेरे मौत के कुएं आले पहलवान नहीं। मौला मरण तू चलिया को इस मैदान का फैसला तो हम मौला ही कर सकते। सफर थे मैं जान लगा तेरे तो इन्ना दूर हो जावांगा जिन्हें तेरे तो तारे दूर ने। सरदारी दी पग सिर्फ ओदे सिर दे आ सकती है जिदे ना दी दहशत तो हर दुश्मन दी औरत बांझ हो जावे। ते ओ इस पंजाबे चेक किए मैं तेरे किट्टे तो लेके गाटे तक एने टूटे करांगा कि कबर तक पहुंचे तेनू अपनी मां दी इको आवाज आएगी। मैदान जित सिर झुका के माफी मंगने वाले दी नहीं, सिर उठा के कर्जा लाने दी हमने। एच तेरी जित मैं बड़ी इज्जत ते अपनी जिंदगी लाए हैं मौले। वेलकम बैक व्यूवर्स। बिला साहब ट्रेलर तो वाकई में बहुत धमाकेदार है, ऐसा महसूस होता है कि सिनेमा घरों के अंदर जो है ना वो रश टूटने वाला नहीं है। ये फिल्म जो है वो यकीनन एक नए और बहुत सारे रिकॉर्ड्स कायम करेगी। फिल्म को सिक्वल बनाना और रीमेक बनाना इस कितना मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर किसी ऐसे फिल्म के हवाले से जिसका नाम ऑलरेडी लोगों के जहनों में अब तक गूंज रहा हो। बहुत मुश्किल होता है जी ये, और ये मेरे जहन में शुरू से ये सवाल था, क्योंकि जब आप एक क्लासिक जो एक बन चुकी हो लार्जर देन लाइफ फिल्म, जब आप उसको फिर से, मैं इसको रीमेक नहीं कहूँगा क्योंकि फिल्म बिल्कुल ही फर्क है, लेकिन रीबूट का एक वर्ड इस्तेमाल होता है वेस्ट में, अगर इसका रीबूट करने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ भी बनानी पड़ेगी, लेकिन जो पुराने हैं उनको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और जब वो, क्योंकि मौला जट हमारी पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन चुकी हुई है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके जो डायलॉग हैं वो हर कोई इस्तेमाल करता है, जिन्होंने फिल्म नहीं भी देखी हुई वो भी जानते जरूर हैं मौला जट को, उन्होंने सुना है उसके डायलॉग्स को जानते हैं। सो हमारा एक तरह से मुकाबला पुरानी फिल्म के साथ नहीं है, क्योंकि वो फिल्म हिट तो बहुत हुई लेकिन वो कोई बहुत अच्छी बनी हुई फिल्म नहीं थी, वो उसकी टाइमिंग ऐसी थी और उसकी
चंद खास बातें ऐसी यूनिक थी कि वो इतनी बड़ी फिल्म बन गई। लेकिन अब हमारा मुकाबला जो था वो था जो उस फिल्म का इम्पैक्ट हुआ उसके साथ, हमने उसके इम्पैक्ट पे उतरना है, बल्कि उसको भी ज्यादा एक्सीड करना है इस फिल्म के अंदर। तो ये आसान काम नहीं था कि अब नई ऑडियंस को भी साथ लेके चलना है, जो पुराने फैंस हैं उनको भी साथ लेके चलना है, जो पिछली जनरेशन है, सो दोनों को इकट्ठे, फिर पंजाबी जो बोलते हैं उनको भी पूरा पंजाबी फिल्म का भी मजा आए, जो पंजाबी नहीं जानते वो भी इस फिल्म को एंजॉय कर सकें, क्योंकि ये विजुअल हो, एक्शन हो इसमें, तो ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए इस फिल्म को बनाया गया। अच्छा, फिल्म पंजाबी में है, और लेकिन ये बात भी सुनने में आ रही है कि ये फिल्म जो है वो चाइनीज लैंग्वेज में भी जो है वो दस्तियाब होगी। जी हाँ, चाइना में भी रिलीज होगी, लेकिन हमने उसकी रिलीज को अभी रोका हुआ है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और जो हमारे ओवरसीज टेरिटरीज में रिलीज हो रही है उस पर थोड़ा फोकस कर लें। हमारा भी ये पहला एक्सपीरियंस है इतनी बड़ी फिल्म बना के, तो हर स्टेज पे हमारे लिए वो एक नया चैलेंज आ रहा है सामने, तो जो फिल्म की रिलीज होती है वो भी हमारे लिए एक नया चैलेंज है। तो हमने सोचा कि अगर हम अभी हम बहुत ज्यादा फैला देंगे तो शायद उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना में तो हाइप उसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी इधर की हाइप के साथ, वो एक बिल्कुल नई फिल्म की तरह उधर रिलीज होगी, तो क्यों ना हम पहले ये इधर का सारे जो अपने स्टेप्स हैं, अपनी जो रिलीज है लोकल की और इंटरनेशनल की, वो पूरी कर लें, तो फिर चाइना को हम उसके 2-3 महीने के बाद रिलीज पे उस पर फोकस करते हैं। सुल्तान भाई और मुस्तफ़ा कुरैशी, मौला जट और द लेजेंड ऑफ मौला जट, एक तरफ हमजा अली अब्बासी जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में विलन का रोल अदा किया है, और दूसरी तरफ फवाद खान। तो अगर आप मुआवजा करें, विलन का रोल जो है वो ऐसा लगता है कि वो फवाद खान पे ज्यादा भारी नजर आ रहा है हमजा अली अब्बासी साहब? अगर आप पुरानी फिल्म की बात करें तो ऐसे ही था, इनफैक्ट वो तो फिल्म ज्यादा हिट ही नूरी नथ की वजह से हुई थी, और नूरी नथ के जो डायलॉग्स थे। तो देखें, जो इस तरह की राइवलरी की फिल्में होती हैं, जो बड़ी फिल्में होती है ना, उसमें बहुत जरूरी होता है कि जो विलन है ना वो बहुत ही ज्यादा लार्जर देन लाइफ हो, क्योंकि वो ही और वही हीरो को बड़ा बनाती है बात। तो जिस तरह इवन हॉलीवुड में जो बैटमैन मूवी है उसमें जोकर का जो कैरेक्टर है वो बैटमैन से भी ज्यादा उसकी वो एक एक्साइटमेंट होती है और उसका एक इम्पैक्ट आता है। सो ये जरूर है कि इस फिल्म में नूरी नाथ बहुत स्ट्रांग है, और जो हमजा ने किया है वो बहुत सरप्राइज होंगे लोग, क्योंकि ये मेरे से बहुत सवाल होता था कि मुस्तफा कुरैशी साहब जो कर चुके हुए हैं अब वो कैसे कोई और कर सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो उनकी तो जो उन्होंने किया तो अपनी जगह, उसकी कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन हमजा ने जो किया है वो बहुत सरप्राइजिंग होगा। एट द सेम टाइम जो फवाद का रोल था मौला का, वो मैं समझता हूँ ज्यादा मुश्किल है नूरी से, क्योंकि नूरी नाथ के पास मार्जिन बहुत है परफॉर्मेंस करने का, एक्टिंग करने का, क्योंकि नेगेटिव जो एक होता ना रोल थोड़ा सा, और उसमें जरा आपके पास ज्यादा उसमें परफॉर्म प्ले करने का मार्जिन होता है, एक्सपेरिमेंट करने का होता है, तो जो हीरो होता है ना उसके लिए थोड़ा सा मसला पड़ जाता है कि वो उतना ही उसकी बराबरी में आए। लेकिन फवाद खान, जिनको लोग समझते हैं कि वो एक रोमांटिक हीरो ज्यादा है, उसकी वजह से पॉपुलर है, वो आई थिंक इस फिल्म का ज्यादा बड़ा सरप्राइज ये होगा कि उन्होंने इतना एक वैशी कैरेक्टर जो है वो प्ले कैसे किया। अच्छा, आर्टिस्ट से डायलॉग्स की डिलीवरी जो है वो करवाना, और खास तौर पे पंजाबी के अंदर डायलॉग्स जो है वो फवाद खान, मायरा खान के लिए मुश्किल तरीन मरला था, या इसको बआसानी आपने जो है वो कर लिया था? देखिए, आसान तो नहीं था लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि जो फिल्म मेकिंग होती है वो आपको अलाउ करती है कुछ ऐसी चीजें जो कि आप किसी और, अगर तो ये स्टेज प्ले होता और 2 घंटे पंजाबी बोलनी हो एक्टर को तो वो बहुत मुश्किल तो काम मुश्किल है हो जाता। या जिस जी हाँ, या कोई जिस तरह ये इंटरव्यू है ये पंजाबी में करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिल्म में आपकी अगर कुछ टेक्स होती है कि आपने ये जुमला बोलना है इतना हिस्सा, फिर आपने वो आप अलग उनको शूट करते हैं डिफरेंट टेक्स को और फिर जोड़ते हैं, तो एक्टर्स के पास टाइम होता है कि वो तैयारी करते हैं और 1 or 2 lines या मोनोलॉग्स एट अ टाइम उनको परफॉर्म करने होते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा ये है कि उर्दू जो जानता है उसके लिए पंजाबी उतना बड़ी जंप नहीं है, अगर हम ये कोई चाइनीज या स्पेनिश में फिल्म बना रहे होते तो फिर तो वाकई बहुत मुश्किल होता, लेकिन पाकिस्तान में पंजाबी सारों ने सुनी भी है और समझते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं था। इसमें नासिर साहब जो है, नासिर अदीब साहब, उन्होंने बहुत गाइड किया, फिर हमने डबिंग जब की उसमें भी वो साथ थे,
हमने दो पंजाबी ट्यूटर्स भी रखे हुए थे जो उसके साथ जिन्होंने काम किया, मेहनत की। सो ये हो गया। मतलब ये बड़ा लेकिन जरूरी था कि पंजाबी में ही होती है फिल्म, और वो सारे एक्टर्स ने जो नई पंजाबी वो भी इकट्ठे आए। तो मुझे लगता है पंजाबी जुबान के लिए बड़ी जबरदस्त चीज हुई है कि इतनी बड़ी एक कोर्स। मेन स्ट्रीम फिल्म ने वो पंजाबी में बनी है, जो पंजाबी नई भी है एक्टर वो भी इकट्ठे होके उन्होंने मेहनत की कि हम पंजाबी में ही इस फिल्म को बनाए। अच्छा, जब आपने हमारा हिकमत साहिबा से इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात की, डिस्कस किया होगा, तो एक जहन में ये आइडिया आया कि इस फिल्म को हम उर्दू में भी बना सकते हैं, कभी इस चीज़ पे डिस्कशन हुई आपकी? नहीं जी, ये पहले डे वन से बहुत क्लियर था ये पॉइंट कि ये पंजाबी में ही फिल्म होगी और पंजाबी में ही होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म की अपनी एक एक पर्सनालिटी होती है और एक इंटेग्रिटी एक फिल्म की होती है। और अगर मौला चट्ट आप बना रहे हैं और उर्दू में बना दी तो वो तो मजा आधा खत्म हो गया। तो इसकी ये मुझे सबसे ज्यादा यूनिक चीज ये लगी कि ये पंजाबी जुबान में हो। दूसरा, जो नासिर अदीब साहब का स्टाइल है पंजाबी का, डायलॉग्स का, वो जो एक्सप्रेशन है वो आपको उर्दू में नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता उर्दू था। जरा मीठी मीठी हो जाती है ज्यादा और सॉफ्ट हो जाती है। इसके अंदर ना एक एक ऐसा एक तड़का है पंजाबी जुबान का जो कि इस फिल्म को वो एक बहुत यूनिक स्टाइल दे रहा है। तो वो डे वन से बहुत क्लियर थे। अच्छा, हॉलीवुड की एक्शन टीम और पंजाब का कल्चर, कितना मुश्किल था दोनों को कंबाइन करना और पिक्चराइजेशन उसकी? देखिए, जब भी एक्शन टीम किसी चीज पे काम करती है तो थोड़ा सा वो स्टडी करती है कि एक्शन स्टाइल क्या होना चाहिए, किस तरह दो लोग लड़ेंगे। तो इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई कंग फू या उस तरह का स्टाइल नहीं है। ये जरा नेचुरल स्टाइल है जो कि अगर वो पंजाबी पंजाब में भी कोई लड़ रहा है या दुनिया में कहीं भी लड़ रहा है, जब दो लोग लड़ने पे आते हैं तो वो थोड़ा सा सिमिलर होता है। लेकिन थोड़ी सी उसकी मूव्स में हमने थोड़ा एक सिनेमैटिक जिसे कहते हैं वो लाइसेंस लिया है। लेकिन बहुत ज्यादा वो नहीं है कि अनबिलीवेबल किस्म का नहीं है, थोड़ा रियलिस्टिक है, बल्कि कभी कभार कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक है और थोड़ा सा खून खराबा भी है। तो ये बच्चों की फिल्म नहीं है ये मैं जरूर कहूंगा। तो यानी कि थोड़ी सी बड़ी जो ऑडियंस है, 13+ कह लें, 15+ कह लें, उनके लिए है ये फिल्म। अगर आपके पास फवाद खान की जगह कोई और ऑप्शन जहन में था, कि अगर फवाद ने फिल्म में काम करने से इंकार कर दिया या माहिरा ने इंकार कर दिया जहर लैंग्वेज की वजह से, तो कोई और दूसरा ऑप्शन भी था आपके पास जहर गौर? देखिए, पहले तो फवाद की बात करते हैं। तो फवाद और हमजा जो है वो इसमें सवाल ये नहीं था कि मौला का कौन करेगा किरदार और नूरी का कौन करेगा। ये सवाल ये था कि ये दोनों का एज अ कॉम्बिनेशन कौन होंगे दो लोग, क्योंकि ये एक राइवलरी है और इन दोनों की जोड़ी जो है ना, जिस तरह एक रोमांटिक हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है, उसी तरह हीरो विलन की जोड़ी इस कहानी के लिए बहुत जरूरी थी। तो इसलिए मेरे जहन में हमेशा था कि ये एज अ इनकी स्क्रीन केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए हीरो और विलन की। उसमें ये जो कॉम्बिनेशन था फवाद और हमजा का, मुझे इससे बेहतर कॉम्बिनेशन मेरे जहन में नहीं कोई आता था। ये मुझे लगता था कि ये बेस्ट है और इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसके बाद अगर कोई और कोई करना पड़े तो कौन होगा। मतलब मेरे जहन में कभी वो बात आई नहीं। अच्छा, फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा की तरह के लोग आपसे हर बार पूछते थे, बिलाल साहब फिल्म की रिलीज डेट बताएं, रिलीज डेट बताएं। और यकीनन आप तंग आ चुके होंगे काफी, 2 साल से ये सिलसिला जो चल रहा था, आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी का एक एक हिस्सा बन गया था ये सवाल कि मैं कहीं भी बाहर जाऊंगा बस यही बात होगी और यही सवाल होगा। सो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ एक्चुअली। पहले मैं सोचता था कि मैं शायद नर्वस होऊंगा क्योंकि इतने साल लगे, इतनी मेहनत लगी, इतना पैसा लगा, जब वक्त आएगा तो कैसा लग रहा होगा। लेकिन पता नहीं, बस असल में हमने इतना इकट्ठे जो टाइम गुजारा सारों ने और हम बड़े इमोशनली इन्वॉल्व हुए हैं इस फिल्म के अंदर, तो अब बस खुश हैं और मैं तो बहुत रिलैक्स्ड हूँ इस वक्त। मुझे है कि बस अब लगे और लोग देखें फाइनली जो हमने बनाया है। लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ 13 अक्टूबर को ये लगेगी। क्या कह सकते हैं, क्या रिस्पॉन्स होगा और कितने लोग देखेंगे, लेकिन वी आर वेरी होपफुल एंड उम्मीद है कि लोग जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस से बेहतर ये फिल्म बनाई है हमने।
कनाडा में जो मुकीम साउथ एशियन कम्युनिटी है उनके लिए फिल्म के हवाले से कोई खास मैसेज देना चाहें थ्रू अवर टीवी चैनल? मैसेज तो बस यही कहना चाहूंगा, उनको बस रिमाइंड कराना चाहूंगा कि 13th अक्टूबर को द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज हो रही है, एंड आप लोग जाके जरूर देखें और एंजॉय करें इस मूवी को, एंड आई थिंक के यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। जरूर आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज होंगे और थोड़ा सा शॉक भी होंगे। फिल्म की सबसे खास बात जिसकी वजह से जो है वो व्यूवर्स और जो हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी वो फिल्म देखने जाए, जो खास बात आपके ख्याल में फिल्म की सबसे अहम तरीन बात है? सबसे अहम तरीन बात यह है कि देसी फिल्म उन्होंने इस तरह की नहीं कभी देखी होगी। जो भी वो सोच लें कि वो कैसी होगी, वो ट्रेलर में नहीं उनको अभी समझ आएगी, वो जब फिल्म देखेंगे। तो खास बात इसकी सबसे ज्यादा ये है कि बहुत इंगेजिंग है, और जब वो एक बार देखना शुरू होंगे तो वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे, तो वो भूल जाएंगे कि हम एक फिल्म देख रहे हैं। उसके वर्ल्ड के अंदर उन कैरेक्टर्स के साथ वो जो है ना थोड़ी देर के लिए जरा गुम हो जाएंगे, भूल जाएंगे बाकी दुनिया को, और यही हमारा एक मकसद था इस फिल्म को बनाने का, एंड आई होप कि ऐसा ही हो जब वो फिल्म देखें। थैंक यू सो मच बिलाल लाशारी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे बिलाल लाशारी साहब, द लेजेंड ऑफ मौला जट के डायरेक्टर। फिल्म के अंदर रोमांस भी है, फिल्म के अंदर एक्शन भी है, और फिल्म के अंदर मिस्ट्री भी है, जैसे बिलाल लाशारी साहब ने बताया। और आई होप कि पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर ये फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट एक नई तारीख रकम करेगी। यकीनन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला भट्ट जट जैसी फिल्में जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक नया बाप रकम करने जा रही है। आइए एक बार फिर चलते हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के ट्रेलर की जानिब। सरदार जट दा पुत्र मौला जट है। सरदार जट दा इंसाफ कमरे चो बाहर आ गए। पहली बारी रक्त दे सामने एक शेर आया है। जिस सफर ते मैं जान लगा तेरे तो इन्ना दूर हो जावांगा जिन्हें तेरे तो तारे दूर ने। ते अपनी जिंदगी लाए ने मौले। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने देखा द फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट। द लेजेंड ऑफ मौला जट एक ऐसी कहानी जो कई साल पहले लिखी गई, मुस्तफ़ा कुरैशी और जो सुल्तान राही साहब का किरदार था वो एक बार फिर फवाद खान और हमजा अली अब्बासी अदा कर रहे हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर को पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर रिलीज़ होने जा रही है। पाकिस्तान के सिनेमाओं को एक बार फिर वो रौनक बख्शने जा रही है जिसकी पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री मुद्दतों से इंतज़ार में बैठी हुई थी। और ये फिल्म वर्ल्ड वाइड भी रिलीज़ हो रही है, कनाडा के अंदर भी जो है वो बहुत सारे सिनेमाघर में 64 से ज़ायद जो सिनेमाघर हैं उनके अंदर ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। और डेट जो है वो 12 अक्टूबर है सिनेमा का, क्योंकि टाइम के हिसाब से हम यहाँ पर 9 घंटे का हमारा डिफरेंस है, तो 12 अक्टूबर को फिल्म का प्रीमियर है। और उस प्रीमियर के अंदर जो है वो हमें पता चलेगा कि हमारे जो साउथ एशियन व्यूवर्स हैं वो इस फिल्म के बारे में क्या कहते हैं और उनकी क्या राय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा द लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, क्योंकि ये फिल्म एक बार फिर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में तारीख रकम करने जानी। अपने होस्ट महबूब शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका और हमारा हामी व नासिर हो। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद। My name is Mayor Patrick Brown and I'm running for re-election. I'm asking for your support. Over the last 4 years, I've been one of the country's leading voices against hate, intolerance, and Islamophobia. Brampton was the first city in Canada to adopt all of NCCM's recommendations on combating Islamophobia. When no one would speak up against the bigoted Bill 21 that prohibited being a government worker and wearing a hijab, I stepped up. I challenged that bigoted bill, and 30 cities joined my fight against that bill because a Canadian is a Canadian is a Canadian, and no one should lose their job based on their faith.
When I saw acts of discrimination in Brampton, I challenged it. I fight misinformation with education. It's why I host my own iftar every year and fast with the community. I'm doing everything I can to build harmony and to build a city where religious freedom is at the cornerstone of who we are. Thank you for your support over the years. Please come out and vote in this upcoming municipal election. इकरातुल कुरान ऑनलाइन एकेडमी जो दे रही है आपको बुनियादी 6 कलमे नूरानी कायदा और तलफ्फुज तजवीदे कुरान तिलावते कुरान पाक और तर्जुमा नाजरा और हिफ्ज़े कुरान 2 साल में मुकम्मल करने की गारंटी 5 दिन मुफ्त तजर्बाती क्लासेस वीकेंड क्लासेस की सहूलत आला तालीम याफ्ता मेल एंड फीमेल असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी हम अमरीका इंग्लैंड कैनेडा ऑस्ट्रेलिया गल्फ एंड यूरोप ममालिक में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं ओ एंड ए लेवल के लिए असातिज़ा की सहूलत मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है तीसरा जो है हमारा जो है इस नो रिमूवल फ्रॉम द कर्व साइड तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आप एक डेट नोट कर लें मंडे अक्टूबर 24, 2022 वो इलेक्शन डे है मिसिसागा में उस दिन आप लोगों को जाकर के वोट डालना है और उम्मीद है कि आप हमें ये वोट डालेंगे क्योंकि मेरे 3 इशू जो हैं आपको तक पहुंच चुके हैं Sunshine Radio proudly presents the biggest and largest South Asian Designers Expo and Diwali Entertainment in GTA on Sunday, October 30th at Capital Convention Center, Mississauga from 12 noon till midnight. Enjoy shopping pleasure, clothing, jewelry, churiyan, food, dance, bhangra, dandy entertainment and much more. No tickets, free parking. For stall booking, call Shaheen Khan or Matanath Khan at 416-825-9275. Greetings fellow Miltonians, I am Mahmood Chaudhry, your regional councillor candidate from Ward 4. I have been living in this town for the past more than 14 years and have served and dedicated my time on different boards and community to make this town a better place where we can all live and grow together. I have graduated university with a degree of political science and English literature. I am also an entrepreneur. In hospitality field and to serve the community is my passion. Put my name for regional councillor Ward 4 to serve my community and to address their concerns.